हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे YouTube बैनर के बारे में। YouTube बैनर कैसे बनाना है आपको। YouTube बैनर बनाने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन उसका साइज सही नहीं बैठता। कंप्यूटर है या फिर आप जब लैपटॉप पे देखते हैं और फोन पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उनका बैनर का साइज अलग अलग होता है। किसी में बैनर फिट बैठता है तो किसी में फिट नहीं बैठता है। तो कैसे आपको ऐसा बैनर बनाना है जो आपको हर चीज में फिट बैठ जाए एकदम, तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे बैनर बनाना है बिल्कुल फ्री में और वो भी अल्ट्रा HD। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है कैनवा। आपको कैनवा पे जाना है। जब आप कैनवा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका अगर लॉगिन होगा तो डायरेक्ट खुल जाएगा, लॉगिन नहीं तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। बड़ा आसान, बहुत सारा आसान है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है कैनवा बैनर, तो नहीं यूट्यूब बैनर, कैनवा बैनर नहीं सॉरी यूट्यूब बैनर। यहाँ पे आपको यूट्यूब बैनर सर्च कर लेना। जब यूट्यूब बैनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इतनी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिन्हें आप कोई सी भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। वैसे आप अगर आप टेम्पलेट यूज करना नहीं चाहते तो यहाँ पे आप प्लस के साइन पर जाने के बाद आपको थोड़ी देर में कैनवा ओपन हो जाएगा। प्लस के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको बहुत सारी यहाँ पे भी टेम्पलेट्स आपको मिलेगी। यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट अपनी यूज कर सकते हैं। मैं आपको पिछला अपना कल का सैंपल दिखा दूँ, जो मैंने कल अपना सैंपल बनाया था, मतलब अपने चैनल पे, जो मेरे चैनल पे अभी है वो मेरा ये, तो ये मैंने कल अपना बैनर बनाया था जो कि अभी मेरे चैनल पे है प्रेजेंट टाइम में। तो ये मैंने कल बनाया था, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे आपको एक बैनर बनाए जो आप सभी चीज़ों में फिट बैठ जाए। ये जो मेरा बैनर है आप इसे मोबाइल पर खोलें या कंप्यूटर पर खोलें या टीवी पर खोलें, ये सारी चीज़ों में बिल्कुल फिट बैठता है। उसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से आपको ग्रेडिएंट जैसे कलर, कुछ डिजाइनिंग वाले अच्छे कलर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर अपना चूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड अपना चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपना चाहें तो ये बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ये बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे कैनवा लिखा है रिमूव वाटरमार्क, तो यहाँ पे फ्री नहीं है, आप अपना ये वाला बैकग्राउंड ये फ्री है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। आप ना कुछ अलग बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप कुछ जैसे ये, यहाँ से आप रिसेंट यूज में मैंने ये अपने सर्च करके रहे, तो आप ग्रेडिएंट वगैरह सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। जैसे ये मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसे लिया और इसे मैं बड़ा करके अपने इसमें यूज करूँगा। तो मैंने कल भी यही यूज किया था, मुझे ये ऐसे कलर को ज़्यादा पसंद है, शायद मैं इसलिए इन्हें ज़्यादातर चूज़ करता हूँ। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। तो ऐसे आपने ये बैकग्राउंड चूज कर लिया, फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना नहीं आती तो आप यहाँ से जैसे यहाँ पर जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना नहीं आ रही, आपको समझ में, अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ पसंद है उसका कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर, जैसे आपने यहाँ पर एक थंबनेल बनाना है, आपको बिल्कुल सिंपल सा जैसे यहाँ पर ये ले लीजिए, आपको इसमें से एक थंबनेल बनाना है इसका। अब इसमें थंबनेल में आपको बैकग्राउंड का कलर पसंद नहीं, तो आपको बैकग्राउंड का कलर कैसे बदलना है। बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है अपना, और यहाँ पे ये कलर है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे, जब आप यहाँ पे आप जब ग्रेडियंट सर्च करते हैं तो ग्रेडियंट आ जाते हैं, ग्रेडियंट से जो भी आप चाहें वो भी सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी आ जाएगी, यहाँ पे ग्रेडियंट, यहाँ पे कुछ फ्री होती है, कुछ प्रीमियम वाली होती है, तो आप यहाँ से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ढूंढ के कोई सी भी अच्छी सी आप सर्च करके अपनी यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास तो पहले से है, तो मैं अपने एलिमेंट्स में जाके यहाँ से ये वाली चूज कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको सेंड टू बैकवर्ड या कुछ भी आप देते हैं, यहाँ पे एक दबाएंगे तो आपको एक बार बैकवर्ड होता है, और यहाँ दबाएंगे तो यहाँ पे एक बार में फाइनल हो जाता है बिल्कुल एंड तक। तो आप इसे आराम से यहाँ पे बड़ा कर दीजिए। अब ये बैकग्राउंड में इसका सेट हो गया। अब इसके हिसाब से आप अपने चैनल के हिसाब से यहाँ पे नाम वगैरह जो भी सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। ये पहले से इतना बेस्ट लगने लगा, जो बैकग्राउंड ये ब्लैक कलर था वो इतना सूट नहीं कर रहा था, ये कलर यहाँ के कलर्स के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है और बेस्ट लगता है मुझे ये कलर, और आपको भी शायद लगे। तो आप अपने हिसाब से कलर चूज करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्काउट, तो यहाँ पे चलिए मैं स्काउट ही लिख दी, तो यहाँ पे मैंने स्काउट लिख दिया। अपने हिसाब से जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना है यहाँ पे आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको डिलीट भी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ वाटरमार्क के सारी चीज़ें जो वाटरमार्क है वो आप यहाँ से आराम से अपना हटा सकते हैं, तो सारी चीज़ें आप हटा दीजिए यहाँ से जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब मैं सिर्फ यही यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा अपना नाम। अब यहाँ पे नाम तो आप इस जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके आप यहाँ पे अपना कुछ भी नाम लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ें चूज करके, जैसे मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे हटाने, यहाँ पे लिख देता हूँ स्काउट एलन। यहाँ पे जब मैंने स्काउट एलन लिखा, इसे अपना बिल्कुल साइड में बैठा लीजिए यहीं पर। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे स्काउट एलन तो लिख गया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे कोई ग्राफिक वगैरह नहीं थी, इतना अच्छा लग ही नहीं रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा कैसे ये बनाती है। तो उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एलिमेंट्स पे, और यहाँ पे आप ग्रेडियंट जो मैंने बताया था आपको सर्च कर लेना है, ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट आपको सर्च करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट जब ग्रेडियंट सर्च करें तो यहाँ पे आपको इतने सारे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे पहले से बने हुए। आपको ये कुछ फ्री है, जैसे ये प्रीमियम वाला, यहाँ पे कुछ फ्री भी होते हैं, ये फ्री है तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ दो लुक इनहेंस हो जाता थोड़ा सा अगर आप इसे लगाते हैं तो। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका बैकग्राउंड पहले से बेस्ट है। तो इसे एक बार लगा के देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। जब आप इसे सेट करें तो इसका एकदम से लुक बदल जाएगा, अच्छा सा लगने लगेगा कुछ। और यहाँ पे अगर आपको ट्रांसफर ग्रेडियंट में कुछ ऐसा लगाना तो यहाँ पे आप इसे भी ले सकते हैं, आप इसे बैकग्राउंड में ऐसे लगा सकते हैं। इसका कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर तो नहीं लेकिन इसका ब्राइटनेस वो सारी चीज़ चेंज, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस आप बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा चमकने लगेगा, उसके आप ग्लोर कम कर देंगे तो ये बिल्कुल लो हो जाएगा। आप इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप इसका सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है, आपको कैसे बढ़ानी है, आपको जैसा पसंद आता है वो आप ग्रेडियंट यहाँ पे लगा सकते हैं, आप जो भी चाहें वो। तो यहाँ पे ग्रेडियंट के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला मेरे पास एक ग्रेडियंट है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, ट्रांसपेरेंट लाइट इफेक्ट वाला। ये आप इसे जाके वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे आप इसे लगा दिए यहाँ पे, ये बिल्कुल सिंपल सा होता है लेकिन ये काफ़ी अच्छा भी लगता है, आपके लुक को काफ़ी इनहेंस कर देता है। यहाँ पे आपके बैनर के या किसी भी चीज़ के आप किसी में भी इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जो भी आपको करना है आप इसे अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इससे लुक काफ़ी इनहेंस हो जाता है अब ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट मैंने पहले से लगाता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मुझे पसंद है। जैसे मैंने ये भी लगाया अपने पहले वाले में, तो यहाँ पे ये कलर सही से पसंद बहुत, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कलर, तो यहाँ पे आप जाके ऊपर कलर भी अपना चेंज कर, जैसे यहाँ येलो कर दूँ तो येलो कलर काफ़ी अच्छा लगता है और दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे कोई कलर है। यहाँ पे आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसका आउटर का। यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर सकते हैं तो ये और अच्छा लगने लगा। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे येलो ये लाइट वाला कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसमें रेड कर सकते हैं, आप इसे येलो ग्रीन या कोई भी कलर आप यहाँ पे अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। मुझे ये कलर काफ़ी पसंद है, ये कलर काफ़ी पसंद है, यहाँ पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आपका बैनर ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। ये बैनर जो बनाइए आप अगर पहले से लेंगे तो आपको बिल्कुल साइज का बैनर मिलेगा, जिसमें आपको ये कंप्यूटर पीसी आप किसी पे भी लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ से आपको आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ से आपको जाके सेव कर लेना, मेरा इंटरनेट नहीं चला, यहाँ पे आपको शेयर पे जाना है, यहाँ से आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।